सो गाइस हम लोग बनाने वाले हैं आलू और टमाटर और यहाँ पर गोभी की सब्जी, तो अच्छी टेस्टी बनाने वाले हैं। उसके लिए हम लोग ने यहाँ पर आलू ले लिए। चलिए इसकी कटिंग करते हैं। आलू की कटिंग तो कर दी है, यहाँ पर गोभी की कर दी है और उसे अच्छे से धोते हैं, जो कि इसमें थोड़े मोड़े कीड़े मकोड़े से होते हैं, तो इसे अच्छे से धो लेंगे, जो कि इसमें साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। जो कि तो हम लोग ने यहाँ पर आलू भी धो लिए हैं, जो कि कोई गंदगी ना रह जाए इसमें, तो हम लोग ने यहाँ पर अच्छे से धो लिए है। धोने के बाद इसे निकाल लिए है और अच्छे से इसे निचोड़ लिए है। निचोड़ने के बाद हम लोग ने यहाँ पर एक कढ़ाई चढ़ाई, चढ़ाने के बाद हम लोग ने इसमें थोड़ा सा भी तेल डाला, क्योंकि हम लोग को भी फ्राई करना है। तो यहाँ पर हम लोग ने प्याज ली और टमाटर ली, लहसुन ली और हरी मिर्च ली, और हरी मिर्च को भी हम लोग ने यहाँ पर काटने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग पहले तलेंगे यहाँ पर आलू और गोभी, इससे अच्छे से तल लेंगे, इसे अच्छे तल लेंगे, इसे अच्छे फ्राई कर लेंगे जब तक ये थोड़ी नरम से ना हो जाए। और यहाँ पर हमने हल्दी ली और मिर्च और धना उसमें डाल दिए पानी, जो कि थोड़ी देर तक इसे रखने देते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर हमारे अच्छे थोड़ी अच्छे नॉर्मल से हो चुके हैं, इसे हमने उसमें कस लिया है अच्छे से इस तेल में, और ये हमारे फ्राई हो चुके आ चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। और इसमें और तेल डालते हैं और इसमें डालेंगे हम लोग अभी लहसुन, उसे हम लोग ने छील लिया है और काट लिया है, आपको ऐसे ही काट लेना है। काटने के बाद इसे अच्छे से चुराना है, जैसे चुर जाएंगे तो इसमें आपको मिर्च भी डाल लेना है, जो कटिंग करके डालना है, सेंगी नहीं डालना है, क्योंकि ये दिक्कत आ जाएगी, सेंगी नहीं डालना। फिर इसके ऊपर डालना है प्याज, प्याज को अच्छे से भूनना है, फिर जब तक आपकी प्याज भून जाइएगा इसे यहाँ पर, और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। इसके बाद हम लोग अभी डालेंगे मसाला, जो कि हम लोग ने अभी घोरा था ना, ये मसाला इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से पकाएंगे, जब तक ये थोड़ा कत्थई कलर का ना हो जाए, जब तक इसे अच्छे पकाएंगे, जब तक ये चटपटा क्यों ना हो जाए। तो हम लोग इसे अच्छे से पका लिया है, यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, कत्थई सा। और इसके ऊपर अभी डालेंगे हम लोग टमाटर, तो गाइस टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से पकाएंगे, अब अच्छे से पकाएंगे इसे, ज़्यादा भी नहीं पकाना है। और इसे पकाने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग अभी आलू और गोभी, गाइस देख सकते हैं हमारा यहाँ पर अच्छे से मसाला मिक्स हो चुका है टमाटर में। तो हम लोग अब इसमें डाल देंगे आलू और गोभी, जैसे गाइस आलू और गोभी डालोगे और ये बेस्ट अच्छी से आपकी सब्जी, देख सकते हैं सूखी सब्जी बेस्ट बन गई है। इसके ऊपर डालेंगे पानी, तो गाइस हमने पानी डाल दिया है, वो इसे अच्छे से चुराते हैं। आप देख सकते हैं हमारी कितनी मस्त सब्जी बन गई है। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और गाइस थोड़ी देर तक 5-10 मिनट तक इसे अच्छे चुराते हैं और हमारी सब्जी रेडी है। अगर अच्छी लगी हो तो गाइस अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर कर देना। और इसके ऊपर डालेंगे हम मैंगी वाला मसाला, आपके यहाँ हो तो डाल देना और नहीं हो तो नहीं डालना। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।